गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन चिल्ड्रन आज हम गोंद आर्ट बनाएंगे। जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये गोंद आर्ट है, ठीक है। तो हमें इस गोंद आर्ट को कलर करने के लिए मैंने कुछ पेन लिए हैं, ठीक है। और मेरे पास कुछ एक्रेलिक्स कलर हैं, ये देखिए कुछ एक्रेलिक्स कलर हैं। तो हम चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने ये पिक्चर ड्रॉ किया है, इसमें मैंने पेड़ और तीन हिरन बनाए हैं, ठीक है। मैंने इसको ब्लैक पेन से थोड़ा सा ड्रॉ किया है, ठीक है। तो आप इसमें अलग अलग तरीके से कलर भर सकते हैं, थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखते हुए आप कलर इसमें करेंगे। और कलर करने के बाद आप इसको ब्लैक पेन से थोड़ा डार्क भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें डिज़ाइन करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने ये इसमें कलर कर दिया है। ये थोड़ा सा हम इसको कलर को थोड़ा ड्राई होने देंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारा जो ये बीच के जो ये जो बीच में जो हिरन में हमने जो अलग अलग कलर की हैं, इसमें हमको ब्लैक पेन से या किसी और कलर से आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको पूरा एक्रेलिक्स कलर से भर दिया है। देखो आपको ये शाइनिंग भी दिखा रहा है, ये एक्रेलिक्स कलर में थोड़ा सा शाइनिंग होता है, तो ये कलर बहुत सुंदर लगते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा ब्लैक आउटलाइनिंग थोड़ा डार्क कर सकते हैं। देखिए बेटा, जैसे ये ग्रीन कलर जो मैंने किया है, इसमें आपको ब्लैक पेन से ड्रॉ करना है, तो आप इसमें कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए मैं इसमें ब्लैक कलर से इस तरह का कोई डिज़ाइन कर रही हूँ, ठीक है। इसको पूरा हमने इस तरीके से भर देना है। देखिए बच्चों इस तरीके से, ठीक है। आपको सारे में ये ऐसे डिज़ाइन करना है। आप चाहें तो कुछ और डिज़ाइन भी कर सकते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पे कुछ और डिज़ाइन करना है इस तरीके से। आपको तीन तीन या चार चार लाइन इसमें ऐसे करनी है। आपको इस तरीके से इसमें हल्का हल्का भर देना है ब्लैक कलर। तो बहुत पॉइंटेड पेन से आपको उसमें बहुत बारीक लाइनिंग खींचनी है। अब आप इसमें, मैं इसमें ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। इसमें छोटे छोटे डॉट, ये ब्लू कलर है बट ये ब्लैक लग रहा है। अब इसमें यहाँ पे भी हम हल्का हल्का डॉट लगा देंगे। ये देखिए बच्चों, हमारे हिरन में डिज़ाइन हो गया है। अब हमारे ये जो लीव हमने बनाई है, अब इसमें हमें करना है, तो इसमें हम ग्रीन कलर के अलग अलग शेड भी ले सकते हैं, ठीक है।
ये देखिए बच्चों, ये हमारा कलर हो चुका है। इसको आप इसमें और कलर भी आप इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पत्तियों को और घना बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मेरा A4 साइज़ पेपर या आप चार्ट पेपर ले सकते हैं, और उसको और अच्छा लुक देने के लिए मैंने इसमें एक पीले रंग का कलर का जो पेपर है वो मैंने इसमें कटिंग करके पेस्ट किया है। देखो, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से है। तो ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है। तो देखिए बच्चों, ये हमारी गोंदा तैयार हो गई है।